पकड़िए एंड आफ्टरवर्ड उसके ऊपर केले का छिलका लगा लीजिए फॉर द शाइन। आता है लो टॉप जिसको हम ओल्ड स्कूल कहते हैं, फिर आता है मीडियम टॉप, हाई टॉप। वन थंब रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई समर में शॉर्ट्स के साथ पहन लिया, विंटर्स में लेदर जैकेट के। टॉप 10 ब्रांड्स कौन से हैं, 250 रुपीज से 999 रुपीज। Hey guys, welcome back to my channel. This is Garen S. Dhingra, your own The Formal Edit. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो फैशन के ऊपर है। अगर मुझसे कोई पूछेगा एक लड़के के वार्डरोब में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट और असेंशियल है, नंबर वन पे आएगा व्हाइट स्नीकर्स, मतलब सफेद जूते। ये वीडियो है टॉप 10 व्हाइट स्नीकर्स के बारे में। और व्हाइट स्नीकर्स इंपॉर्टेंट इतने क्यों है, क्योंकि वो एवरग्रीन है, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होंगे और हर चीज के साथ चले जाएंगे। आपका सूट हो, चाहे आपके शॉर्ट्स हो, चाहे आपके कैजुअल हो, कोई भी कपड़े हो, वो टॉप 10 ब्रांड्स कौन से हैं, 250 रुपीज से 999 रुपीज तक टॉप क्वालिटी व्हाइट स्नीकर के ब्रांड, और कैसे सिलेक्ट करते हैं अच्छे व्हाइट स्नीकर्स, आइए बात करते हैं। अब क्यों इन्वेस्ट करना है एक अच्छे व्हाइट स्नीकर्स के अंदर, पहला रीजन क्या है, वर्सेटैलिटी। मतलब आप वेकेशन पे जा सकते हैं शॉर्ट्स के साथ व्हाइट स्नीकर्स, चीनोस, डेनिम, कार्गो के साथ पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग अब रेड कारपेट पे सूट्स के साथ भी पहनने लगे हैं। दूसरा क्या, एवरग्रीन, मतलब 1960s का फैशन है। ब्रिटेन में लोग पहना करते थे स्पोर्ट्स के बाद, कभी वीकेंड पे लेजी हुए तो डेनिम और व्हाइट स्नीकर्स पहन लिए, साथ में कोई भी टी शर्ट। अब तक इट हैज नेवर गॉन आउट ऑफ फैशन। मतलब क्या, अब आपने जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा, बहुत सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा है क्या, कोई भी सीजन में चलेगा ये, मतलब समर में शॉर्ट्स के साथ पहन लिया, विंटर्स में लेदर जैकेट के साथ भी अच्छे लगेंगे। चौथा क्या, कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई फॉर्मल शूज पहनेंगे पैर बहुत स्टिफ हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट, मतलब इतना कंफर्ट नहीं आ पाता, लेकिन इसके साथ क्या, आप स्टाइलिश भी लगेंगे और कंफर्टेबल भी। एंड लास्ट क्या, इट स्टैंड्स आउट। अगर कोई अच्छा फैशनेबल बंदा मिलता है, ही मेक्स अ शू कॉन्टैक्ट आई कॉन्टैक्ट से पहले। अगर मेरी भी बात करें, सबसे पहले मैं किसी के शूज नोटिस करता हूं, और जब व्हाइट स्नीकर्स है कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे, हमेशा क्लासी लगेंगे। और ऊपर आप कुछ भी पहने, स्ट्राइप्स हो, पोलका हो, कोई भी कलर, हमेशा उस कपड़े को निखार के लाएंगे। एक अच्छा व्हाइट स्नीकर कैसे खरीदे, सबसे पहले वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई काम, स्ट्राइप्स कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन, हर आउटफिट के साथ जाएगा। दूसरा क्या, उसकी अगर हील्स आप लेते हैं, अगर आपकी हाइट छोटी है, बड़ी हील्स लें तो वो बिल्कुल इवन हो, अनइवन ज्यादा ना हो, जो आपका बैक और फ्रंट का लेवल, नहीं तो आपके पैर पे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वन थंब रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी जूता खरीदने से पहले, मतलब आपका जो बैक साइड है उस पर एक अंगूठे का गैप जा पाए आराम से, इजीली, क्योंकि आपको शाम तक चलते चलते पैर हल्के स्वेल हो जाते हैं, और उससे क्या, अगर वो बिल्कुल टाइट होगा तो पैर पे वो काटेगा। उसके अलावा साइज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो डिटेल साइज चार्ट देख के मंगवाएं, उससे क्या होता है, हर ब्रांड का साइज अलग होता है। जैसे मुझे जारा का कोई आता है तो XYZ ब्रांड है, अगर कोई और ब्रांड है तो उसका साइज अलग रहता है। तो इसलिए एक बार डिटेल साइज चार्ट को देखें, अपने पैर को एक इंची टिप से मेजर करें, तभी मंगवाएं। बात आती है शेप ऑफ द शू पे, पहले आता है लो टॉप जिसको हम ओल्ड स्कूल कहते हैं, फिर आता है मीडियम टॉप, हाई टॉप्स, उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग शू, बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन आपके पास असेंशियल क्या होना चाहिए, वो है लो टॉप शू, जिसको हम ओल्ड स्कूल भी कहते हैं, क्योंकि हर शेप के साथ जाएगा। अगर आपको हाई टॉप का शौक है, कोई और शेप का शौक है, पहले लो टॉप खरीदिए, क्योंकि वो हर एक चीज के साथ जाएंगे, उसके बाद कहीं और जाइए। और क्या इंपॉर्टेंट है, फैब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत रफ यूज करते हैं तो कपड़े या कैनवस वाला फैब्रिक बिल्कुल मत लीजिए, वो एक दो बारी में खराब हो जाएगा। लेदर या लेदर राइट के ऊपर जाइए, वो लॉन्ग रन तक चलेगा। सबसे पहले आप इसके साथ व्हाइट सॉक्स पहन सकते हैं, स्पोर्ट्स या एथलीजर लुक को उसके साथ पहने, और अगर आप नो शो सॉक्स पहनते हैं तो वो बाहर बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। दूसरा, लेंथ ऑफ द ट्राउजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रिंकल नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट आनी चाहिए, और जब भी इसका कट हो, अगर आप शॉर्टकट पहने, कट का नाम है, तो वो एंकल से आधा या एक इंच ऊपर होना चाहिए, ज्यादा नहीं। और क्या, आपके जूते ज्यादा गंदे नहीं होने चाहिए। अगर आपका लेदर लेदराइट मटेरियल है तो आप कैसे साफ कर सकते हैं, बहुत अच्छी हैक बता रहा हूं आपको। हल्का सा गर्म पानी लेना है, कोई कपड़ा लेना है, ऊपर हल्का सा साबुन लगाए, कोई भी अच्छा सा साबुन लगा लीजिए, उस पर रगड़िए एंड आफ्टरवर्ड उसके ऊपर केले का छिलका लगा लीजिए फॉर द शाइन। अगर आपका कैनवस या कपड़े मटेरियल वाले व्हाइट स्नीकर्स है, उसको क्या करना है, आपको गर्म पानी लेना है, उसके अंदर एक चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच विनेगर, 5 मिनट उसको भिगो दीजिए, उसके अंदर निकालिए, 10 से 15 मिनट सोल्यूशन उसके ऊपर रहने दीजिए, और 15 मिनट बाद इसके ऊपर पानी डाल के इसको सुखा दीजिए, बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे। एंड पिन रोल बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप कोई भी फॉर्मल पैंट या चीनो पहन रहे हो तो स्लिम कफ्स अच्छे लगते हैं, अगर आप डेनिम पहन रहे हो तो मोटे पिन रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं इंडिकेट टॉप 10 व्हाइट स्नीकर ब्रांड्स की, जो बजट के अंदर है, फ्रॉम 200 रुपीज टू 999। याद रखना है, इसके अंदर ज़ारा, एडिडास, ओरिजिनल, कॉनवर्स, वैंस ऐसे बड़े नाम नहीं होंगे, लेकिन सेम क्वालिटी एंड सेम लुक्स उनको बीट करते हुए विद इन बजट। कौन से ब्रांड्स हैं, सबसे पहला है स्पोर्ट्स स्टार, 499 रुपीज का, जैसे जो हमारा ज़ारा का 2999 वाला जूता है, सेम एग्जैक्ट लुक्स में,
बहुत वर्सेटाइल है, सबके साथ जाएगा। उसके बाद एक्वा लाइफ का जूता आता है, वो 247, इतने अच्छे बजट में आपको नो प्रिंट प्योर व्हाइट स्नीकर मिल रहा है जो वेट में भी लाइट है और इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं। उसके बाद क्या है, वेनफ, हल्का स्पोर्टी लुक में लेकिन पूरा प्लेन है, जिनको हल्की स्पोर्टी और वाइट लुक चाहिए बेस्ट है 449 रुपीज का। तो अब आता है एमिको 499 का, जिनको थोड़ा स्पोर्ट्स वेयर पसंद है, चाहे वो पजामास हो गए, टाइट बॉटम या आपका कैजुअल वेयर, बरमूडास बहुत पसंद है, उनके लिए बेस्ट है ये शूज, मैं पर्सनली ऑर्डर करने वाला हूं। उसके बाद है क्रासा का, बहुत अच्छा रिव्यूज में बड़े बड़े ब्रांड्स को बीट करते हुए 499 रुपए का, बहुत अच्छी शेप है इसकी, और जिनको हाई टॉप का शौक है थोड़े हाई पे जाएंगे एंड पे, थोड़ा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे रिव्यूज है, 899 रुपीज का, सिंबल का मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं। और उसके बाद जब बात आती है हाई टॉप की, लेकिन कैनवस पे नहीं, वो कई लोग जल्दी गंदा कर देते हैं थोड़ा लेदराइट मटेरियल के अंदर, तो क्रासा के हाई टॉप के दो ऑप्शन दिए हैं, एक डॉटेड पैटर्न है और एक बिल्कुल प्लेन पैटर्न है, एक है 499, एक है 449। जिनको चंकी व्हाइट स्नीकर पसंद है स्ट्रीट स्टाइल के लिए, परफेक्ट 750 रुपीज के लिबर्टी के। उसके बाद स्लीक डिजाइन के साथ बहुत ही परफेक्ट शेप व्हाइट स्नीकर्स की आती है बोयांजा, 499 रुपीज। व्हाइट स्लिप ऑन लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, हर चीज के साथ जाएंगे रोडस्टर के, 839 रुपीज, महंगा लगता है तो दूसरा ऑप्शन भी दिया है हमने 500 की रेंज में, आप ये ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 टॉप व्हाइट स्नीकर के ब्रांड, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट मत करना, भूलना नेक्स्ट टॉपिक का नाम। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना।